सोहन अपने नानी घर गया हुआ है, इसीलिए गुल्ली और बुल्ली सोहन को लाने के लिए बस से अभी जाने वाले हैं, क्योंकि सोहन अकेले नहीं आ सकता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अकेले आने में डरता है। इसलिए गुल्ली बुल्ली भी अपना सामान पैक करके वहाँ जाने वाले हैं क्योंकि वहाँ ये लोग 2-3 दिन तक रहने वाले हैं। गुल्ली घर से बाहर निकल कर बस के आने का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है और अभी तक बस आया नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गया। लेकिन तभी गुल्ली खुश हो जाता है, शायद बस आ चुकी। गुल्ली इस बस को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसने इस बस को पहली बार देखा है और ये बस काफ़ी चमाचम लग रही थी। गुल्ली बस के ड्राइवर को देखता है, उसे बस का ड्राइवर थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे। तभी बस का ड्राइवर गुल्ली से कहता है, ए टकले, मुझे ही देखते रहोगे या बस में चढ़ोगे या फिर मैं जाऊं? लेकिन गुल्ली बुल्ली का इंतजार कर रहा है इसलिए बस में नहीं चढ़ रहा है। लेकिन इधर ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि ये बस 1947 में बनी है लेकिन देखने में ऐसा नहीं लगता है। इधर गुल्ली को ड्राइवर के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ चुका था इसलिए गुल्ली ने ड्राइवर से कहा कि मैं टकला नहीं हूँ और मेरा नाम टकला नहीं है, इसलिए आप मुझे टकला ना कहें। और रही रुकने की बात, तो मैं अपने भाई बुल्ली के लिए रुका हुआ हूँ, रुको मैं अभी बुलाता हूँ। और यह कहकर गुल्ली बुल्ली को बुलाने लगता है। गुल्ली हंसते हुए बुल्ली से कहता है कि क्या कर रहे हो बुल्ली, साड़ी वाड़ी पहन रहे हो क्या जो इतना लेट लग रहा है, जल्दी से बाहर आओ। और तभी अंदर से बुल्ली कहता है कि आ ही रहा हूँ, बस जूते पहन रहा हूँ। गुल्ली और बुल्ली काफी दिन के बाद बस में चढ़ने वाले हैं इसलिए ये दोनों काफी खुश हैं। इधर गुल्ली गाड़ी में बैठ चुका है और अब बुल्ली भी आ चुका है। गुल्ली और बुल्ली साथ में एक तरफ बैठ जाते हैं और अपना बैग को दूसरे साइड में रख देते हैं। और बस पूरी तरह से खाली था, बस में और कोई भी नहीं था। बस का ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से जाने लगता है। इन लोगों को सोहन के नानी घर जाने में कम से कम कल सुबह तक का वक्त लग सकता है। गुल्ली और बुल्ली ने वहां जाने का सारा इंतजाम कर लिया था और अब कुछ देर के बाद शाम हो जाएगी और कुछ ही देर में वहां शाम हो जाती है। गुल्ली बुल्ली काफी दूर पहुंच चुके थे। गुल्ली और बुल्ली बस में बैठे बैठे ही अगल बगल का नज़ारा देख रहे थे क्योंकि इन्हें नज़ारा देखना काफ़ी पसंद है और बस चलते ही रह रही थी। बस अब काफ़ी सुनसान इलाके में आ चुकी थी और वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। गुल्ली बुल्ली को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था लेकिन फिर भी ये लोग मज़े से जा ही रहे होते हैं। कुछ ही देर में गुल्ली और बुल्ली काफ़ी दूर पहुंच चुके थे और वहां काफ़ी रात हो चुकी थी और काफ़ी अंधेरा हो चुका था। गुल्ली बुल्ली का बस कहीं पर भी नहीं रुक रहा था। बस में और कोई भी नहीं बैठा हुआ था, सिर्फ गुल्ली बुल्ली और वो ड्राइवर ही जा रहे थे। लेकिन गुल्ली को उस ड्राइवर के ऊपर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि गुल्ली को उसने टकला कह दिया था। और गुल्ली और बुल्ली का बस चल ही रहा था लेकिन गुल्ली और बुल्ली को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि उसके पीछे का सीट काफ़ी ज़्यादा खाली था। बस के ड्राइवर ने लाइट को भी बंद कर दिया था इसलिए पीछे काफ़ी अंधेरा था क्योंकि बस के ड्राइवर का कहना था कि अगर वो लाइट को चालू कर देगा तो कुछ डाकू उस लाइट को देखकर गाड़ी को घेर लेंगे और आकर सारे पैसा लूट लेंगे। वैसे तो गुल्ली बुल्ली के पास पैसा नहीं है लेकिन फिर भी ड्राइवर के पास तो होगा इसलिए ड्राइवर ऐसा कह रहा था और इसलिए वो कहीं पर भी गाड़ी नहीं रोकता है। और तभी एक बस स्टॉप आ जाता है, ड्राइवर वहाँ गाड़ी रोकता है। बस स्टॉप पर कोई भी नहीं होता है इसलिए ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करना ही सही समझता है क्योंकि जंगलों में ज़्यादा देर तक रुकना अच्छी बात नहीं है।
कुछ देर में ड्राइवर ये फैसला कर लेता है कि ये अब गाड़ी कहीं पर भी नहीं रोकेगा। लेकिन ड्राइवर को आगे जाकर गाड़ी रोकना ही पड़ेगा क्योंकि आगे कोई खड़ा है। कुछ देर में वो ड्राइवर उस आदमी को देखकर गाड़ी रोक देता है और ये छोटा सा बस स्टॉप के पास एक आदमी खड़ा हुआ था जो काफी ज्यादा उछल रहा था। शायद इसे बस पे चढ़ने की काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। और फिर कुछ ही देर में वो बस में चढ़ने लगता है। बस में चढ़कर वो आदमी चुपचाप से बैठ जाता है और गुल्ली और बुल्ली को इस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये आदमी पागल है क्योंकि वहाँ पर भी ये उछल रहा था और यहाँ पर भी काफ़ी स्टैचू होकर बैठा हुआ है। गुल्ली बुल्ली को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये इनके साथ क्या हो रहा है। और फिर बस वहाँ से जाने लगती है। अभी रात के 12 बज चुके थे। गुल्ली बुल्ली को ये नहीं समझ में आ रहा था कि रात के 12 बजे ये आदमी यहाँ पर आखिर कर क्या रहा था। लेकिन कुछ भी हो, गुल्ली और बुल्ली इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहते। और फिर गुल्ली बुल्ली को थोड़ा थोड़ा नींद आने लगता है और उनकी आँख लग जाती है और कुछ ही देर में ये लोग दोनों वहीं पर सो जाते हैं। लेकिन जब कुछ ही देर में गुल्ली और बुल्ली की आंख खुलती है तो ये लोग दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? गुल्ली और बुल्ली ये देखते हैं कि ये लोग एक काफी खतरनाक एरिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल है और पेड़ ही पेड़ है और इनका बस पूरी तरह से काला हो चुका है। ऐसा लग रहा था कि ये काफी पुराना बस है। गुल्ली बुल्ली काफी ज्यादा डर चुके थे और इनका बस पीछे से जमीन के अंदर धंसा हुआ भी था। ऐसा लग रहा था कि ये बस सालों से यहीं पड़ा हुआ है। लेकिन इन लोगों को जो भी दिखाई दे रहा था वो सब एक छलावा है। गुल्ली बुल्ली को ये सब समझ में आ जाता है। लेकिन गुल्ली बुल्ली को तभी एक कुछ खतरनाक आवाजें आने लगती है। गुल्ली बुल्ली जंगलों में काफ़ी दूर दूर तक देखते हैं लेकिन ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है? गुल्ली बुल्ली को ऐसा लग रहा था कि शायद कोई वैम्पायर किसी का खून पी रहा है, ऐसा कुछ आवाज़ें आ रही है। गुल्ली बुल्ली काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। गुल्ली और बुल्ली ये देखते हैं कि वो आदमी भी यहाँ नहीं होता है और बस का ड्राइवर भी नहीं होता है। आखिर ये लोग गए कहाँ? लेकिन कुछ ही देर में गुल्ली और बुल्ली को कुछ दिखाई देता है। गुल्ली बुल्ली इसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या दिख गया गुल्ली बुल्ली को? अरे ये क्या, ये तो काफी खतरनाक दानव दिख रहा है और ये काफी सड़ा हुआ दिख रहा है। गुल्ली बुल्ली इसे देखकर समझ जाते हैं ये तो बस का ड्राइवर है क्योंकि इसे ने ऐसा कपड़े पहने हुए थे और वो आदमी जो बस में चढ़ा था वो ड्राइवर उसको खा रहा है। गुल्ली बुल्ली अब क्या करेंगे? गुल्ली बुल्ली भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं क्योंकि ये लोग भी कोई जंगल में आ चुके हैं और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता गुल्ली बुल्ली को नहीं पता। गुल्ली और बुल्ली इस आदमी को तो नहीं बचा पाए लेकिन क्या गुल्ली बुल्ली खुद बच पाएंगे? पहले तो गुल्ली और बुल्ली पीछे की ओर देखते हैं क्योंकि इन्हें पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि पीछे का सीट में कोई बैठा हुआ है जो कि इन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ देर में गुल्ली और बुल्ली ये समझ जाते हैं कि इस बस में किसी का शापित आत्मा है और पीछे के साइड से लड़की की रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। गुल्ली और बुल्ली पहली बार किसी आत्मा के चंगुल में फंसे हैं और एक आत्मा ही नहीं यहाँ पर तो एक वैम्पायर भी है। और तभी अचानक से बस हिलने लगता है।
बस अचानक से ऊपर नीचे होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि कोई आत्मा इसे उड़ा रही हो। गुल्ली बुल्ली का हालत पूरा तरह से खराब हो चुका था। अरे ये क्या, बस तो अचानक से काफी अजीब अजीब तरीके से घूमने लगती है। शायद इसे कोई आत्मा इधर उधर घुमा रही है। गुल्ली बुल्ली काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। और फिर कुछ ही देर में ऊपर से वो बस नीचे खुद ब खुद आ जाती है। वो चुड़ैल की आत्मा अब गुल्ली बुल्ली को नहीं छोड़ने वाली। इधर एक वैम्पायर भी, ये भी गुल्ली बुल्ली को नहीं छोड़ने वाला। तो आगे क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपको पार्ट 2 जल्दी से जल्दी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर फॉलो करना ना भूलें।